अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़े की रेसिपी, मलाई बोटी यानी कि चिकन टिक्का, मलाई टिक्का। बहुत ही यमी, बहुत ही जायकेदार, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं बहुत कम मैरिनेशन टाइम के साथ। तो चलें चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मलाई टिक्का। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ग्राम्स चिकन क्यूब्स में कट कर लेंगे हम। इसके अलावा हमें चाहिए है 1.5 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून मक्खन यानी बटर, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, मैंने अनसॉल्टेड लिया है बगैर नमक के। 100 ml क्रीम ली है मैंने, यानी 200 ml वाला जो छोटा पैक होता है उसका हाफ। ये वाली क्रीम यूज कर रही हूँ मैं, मेरकाडोना से ये वाली क्रीम मिलती है। उसके अलावा हम लेंगे थोड़ा सा पुदीना, 1 टेबलस्पून कर लें या 1.5 टेबलस्पून पुदीना है, 1 ग्रीन चिली, इसको आप कट कर लें। और ये एक छोटा बाउल मैंने धनिया लिया है, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर है ये, यानी 3-4 टेबलस्पून होंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून है ये गार्लिक पाउडर। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को चॉप कर लें या पेस्ट बना लें। 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी 1/4 चाय की चम्मच है तो हम धनिया लेंगे, सूखा धनिया। 1 टीस्पून नमक या फिर हसबे जायका। 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर, काली मिर्च। 1/4 चाय की चम्मच यानी के 1/4 टीस्पून है वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। 1 टेबलस्पून हमने लिया है लेमन जूस, नींबू का रस। इसके अलावा 4 वुडन स्टिक्स मैंने ली हैं, आपने जो क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से ले लें आप। इस सब के अलावा हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेशन, मैरिनेशन का बैटर तैयार करेंगे। क्रीम, क्रीम में ऐड करेंगे हम बटर। इसके बाद हम ऐड करेंगे मसाले, लेमन जूस भी ऐड करेंगे। इस सब को करेंगे हम अच्छे से मिक्स, मसालों को क्रीम में मिक्स। ये हमने कर लिया है मिक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि आपने ब्लेंड करना है, तो आप अपने ब्लेंडर में ही डाल लें सारी चीजें, दही, पुदीना और चिली, धनिया ऐड करेंगे। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आपने पेस्ट बनानी है, आप जैसे भी करें। कुछ लोगों को बहुत स्मूथ सा पसंद होता है, कुछ लोगों को धनिया और पुदीना मुंह में आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से करें ब्लेंड। तो ये देखें जी, पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ऐड करेंगे जो हमने पहले सॉस ही बनाई थी उसमें। तो ये कर दिया है मैंने ऐड, अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शनल इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो कि और अच्छा टेस्ट देगा। ये है ग्रेटेड चीज़, मोज़रेला चीज़ है ये, तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। जो लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे उनको ही ये टिप मिलेगा। ये कर दी है मैंने ऐड, इसका भी बहुत अच्छा मेल्टिंग टेस्ट आता है बाद में। एक्चुअली ये इंग्रेडिएंट हर घर में मौजूद नहीं होता, तो मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये एक खास टिप है, जो लोग मेरे अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ये उन्हीं को मिलेगी ये टिप। तो ये हो गया है हमारा बैटर तैयार मैरिनेशन के लिए। आप इसमें अभी नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं टिप पे। तो करना ये है कि चिकन क्यूब्स को ऐड करना है बैटर में और मैरिनेट करना है। हाथ से कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा।
चलें जी अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है धनिया और पुदीने की वजह से। तो ये हो गई है हमारी बड़ी जबरदस्त सी मैरिनेशन। इसको आपने 15 मिनट से 30 मिनट तक रखना है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप देख लें एक घंटा दो घंटा आप इसको फ्रिज में रख लें। हम कवर करके रखेंगे इसको फ्रिज में। तो एक घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम चिकन क्यूब्स को वुडन स्टिक्स में ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ बीच में, आपकी मर्जी है, आप अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, टोमेटोज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी एक हमने तैयार कर ली है, आप जितने मर्जी चिकन क्यूब्स ऐड करें। तो ये हमने वुडन स्टिक पे लगा लिए हैं, चिकन स्क्वायर्स रेडी हैं। देखिए अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे ऑयल, और जब ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे वुडन स्टिक्स। थोड़ी थोड़ी देर हम इसको सारी साइड से पकने देंगे, साथ साथ साइड चेंज करेंगे। आप इनको मीडियम लो पे, मीडियम पे यानी कि फ्राई करें। तो ये सारी साइड से कलर चेंज हो गया, अब हम इसको कर देंगे कवर मीडियम लो पे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे और आप बीच बीच में साइड चेंज करते रहें। ये देखें ये मैंने बीच में खोली है, खोला है। इस तरह करके टर्न करेंगे और फिर बंद कर देंगे। अच्छा, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये कीटो डाइट फॉर्म जो होती है, जो लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, डाइट प्लान, उसके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। कीटो डाइट एक डाइट फॉर्म है जिसमें हम प्रोटीन्स खाते हैं और फैट्स खाते हैं, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं। यानी कि आप ग्रासा ले सकते हैं, आप प्रोटीनस भी ले सकते हैं, लेकिन रोटी चावल इस तरह की चीज़ें हम नहीं खाते उसमें। तो इसमें आपने देखा कि ग्रासा भी है यानी कि फैट्स हैं, चीज़ डाली है हमने, बटर डाला है हमने, दही डाला है, और प्रोटीन्स हमें चिकन से मिलेंगी। लेकिन इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, जैसे ब्रेड का यूज़ नहीं किया, आटा चावल इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की। तो आप ये डाइट कर रहे हो तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये पक चुके हैं, अब मैं इनको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, आपने देखा इस तरह से पकाते हैं हम, तो शिमला मिर्च भी नहीं जलती। तो ये देखें जनाब कितने मज़े के हमारे चिकन स्क्वायर्स रेडी हैं, यानी के मलाई बोटी मलाई टिक्का रेडी है। आप ये करीब से देखें इनको, कितने सॉफ्ट कितने टेंडर लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।